स्पेस में ऐसी बहुत सारी प्लेनेट है जिसके बारे में आज तक हम कुछ नहीं जान सके। इन सभी के बारे में जानने के लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। आज हम हमारे सौर मंडल की एक प्लेनेट सैटर्न प्लेनेट पे चलाई गई एक मिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसका नाम था कसिनी मिशन। इस कसिनी मिशन का पर्पस क्या था, इसने क्या क्या ढूंढ के निकला इस सैटर्न ग्रह के बारे में, आज हम यही सब जानेंगे। 15 अक्टूबर 1997 में कसिनी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था जिसको नासा ने लॉन्च किया था, जिसमें यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ दिया था। असल में ये स्पेसक्राफ्ट एक नहीं दो मिलके बना है जिनका नाम था कसिनी और वेगन्स। नासा ने इनको डिजाइन किया है और बनाया है। इसका वेगन्स जो टाइटन पे जाने वाला पहला मैनमेड थिंग था जिसको टाइटन का सरफेस और जियोलॉजी के बारे में अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इसको यूरोपियन एजेंसी ने बनाया था और इटालियन स्पेस एजेंसी ने इनके एंटीनास को डिजाइन किया था जिसमें हाइगेन एंटीना और लोगेन एंटीना शामिल था, और इन्हीं एंटीना से हमें सारी जानकारी मिलता था। ये पूरे प्रोजेक्ट में $3.2 बिलियन खर्च हुआ था जिसमें 80% अमेरिका ने लगाया था, 15% लगाया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने और 5% लगाया था इटालियन स्पेस एजेंसी ने। कसिनी स्पेसक्राफ्ट का नाम खगोलविद जियोवानी कसिनी के नाम पर रखा गया था और इसका जो वेगन्स का नाम था वो खगोलविद और भौतिक विज्ञानी क्रिस्टियन वेगन्स के नाम पे रखा गया था। लॉन्च होने के लगभग 7 साल बाद यह कसिनी स्पेसक्राफ्ट जुलाई 2004 में सैटर्न ग्रह की कक्षाओं में पहुंचकर उनका परिक्रमा करने लगा। बाद में 25 दिसंबर 2004 को वेगन्स लैंडर कसिनी से अलग होकर 14 जनवरी 2005 को सैटर्न ग्रह के उपग्रह टाइटन पर उतर गया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसी कसिनी स्पेसक्राफ्ट की कुछ मिशन के बारे में। कसिनी का पहला मिशन यानी प्राइमरी मिशन 30 जुलाई 2008 तक चला और उसके बाद कसिनी को एक नया मिशन सौंपा गया। उस मिशन का नाम था कसिनी इक्विनॉक्स मिशन। इक्विनॉक्स में ये होता है जैसे कि हमारे पृथ्वी में हर साल 2 बार इक्वेटर बिल्कुल सूरज के सामने आ जाता है, ठीक उसी प्रकार सैटर्न प्लेनेट में भी 2009 में ये क्रिया होने वाला था और उसकी पूरी की पूरी जो रिंग थी वो सूरज के सामने आने वाली थी। और उसमें क्या चमक उत्पन्न होता है, उसमें सैटर्न प्लेनेट का पूरा व्यवहार कैसे होता है, इस चीज़ का जानकारी लेने के लिए इस मिशन को 2010 तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद कसिनी स्पेसक्राफ्ट को एक और मिशन सौंपा गया जिसका नाम था कसिनी सोलस्टेक मिशन। जैसे कि पृथ्वी में साल में 2 बार सूरज पृथ्वी की सबसे ज़्यादा पास नॉर्दर्न साइड और साउदर्न साइड पे होता है, उसको सोलस्टेक समय कहा जाता है। उसी प्रकार सैटर्न प्लेनेट में भी सूरज सबसे ज़्यादा नॉर्थ साइड पे होने वाला था और सबसे ज़्यादा साउथ साइड पे होने वाला था। उस समय की फुटेज भी नासा को चाहिए थी, इसीलिए नासा ने 7 साल इस मिशन को और एक्सटेंड कर दिया क्योंकि ऊर्जा कसिनी के पास बची हुई थी और इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। कसिनी स्पेसक्राफ्ट सूरज के इतनी दूर था कि वो सूरज की किरणों का उपयोग ऊर्जा पैदा करने के लिए नहीं कर पाता था, इसीलिए वो एनर्जी थर्मोइलेक्ट्रिक की मदद से ऊर्जा पैदा करता था। कसिनी स्पेसक्राफ्ट प्लूटोनियम 238 रेडियोएक्टिव एलिमेंट का यूज करता था जो डीके होने पर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वही ह्यूगन्स केमिकल बैटरी का इस्तेमाल करता था। चलिए दोस्तों आप बात करते हैं कसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा किए गए इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज के बारे में। दोस्तों
कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न ग्रह पे 7 नए प्राकृतिक उपग्रह का खोज किया है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न के उपग्रह इंसेलेडस पे गीजर का पता लगाया है। गीजर का अध्ययन करने के बाद पता चला कि एंसेलेडस में अंडरवाटर ओशन मौजूद है जो पूरी तरह से ढका हुआ है। कैसिनी हुईगंस मिशन के हुईगंस ने टाइटन पर लेक्स रेनस्टॉर्म का पता लगाया था। ये लेक्स अर्थ की लेक्स से मिलता था, लेकिन फर्क इतना था कि वो लेक में पानी की जगह लिक्विड मीथेन भरे हुए थे। कैसिनी ने सैटर्न ग्रह पे मौजूद एक ऐसी बादलों की झुंड का पता लगाया था जिसकी शेप हेक्सागन जैसी थी। इसी वजह से इन बादलों का नाम सैटर्न हेक्सागन रखा गया था। कैसिनी ने इस विशालकाय बादलों का मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन इसने एक ऐसी चौंका देने वाली बात का पता लगाया था कि सैटर्न का हेक्सागन ने रहस्यमय तरीकों से अपना रंग नीले से गोल्डन कलर में चेंज कर लिया था। दोस्तों, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के 20 साल बाद और सैटर्न ग्रह पे पहुंचने की 13 साल बाद कैसिनी का ईंधन धीरे धीरे खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से नासा ने ये डिसाइड किया कि उसको जिसके लिए बनाया गया है वही में विलीन हो जाना चाहिए। इसलिए नासा ने यह डिसाइड किया कि 15 सितंबर 2017 को वो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को सैटर्न ग्रह की सरफेस पे उतारने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसको उतारने की कोशिश करेगा वो वही एटमॉस्फेयर पे भस्म हो जाएगा। दोस्तों, यही थे कैसिनी हुईगंस मिशन का पूरा कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लास्ट में मैं मेरे वीडियो को कैसे इम्प्रूव करूँ ये मुझे कमेंट पर लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।